अर्जाने गिरामी एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा खुल के किसी का भी नाम नहीं लूँगा, ये रिवायत को गौर से सुनिएगा, शायद बहुत से मसाइल हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए हल हो जाएं। रिवायत को बड़े बड़े उलमा ने अपनी किताबों में दर्ज किया है कि जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हक छीन लिया गया तो एक मरतबा चंद अफराद एक घर में बैठे थे, मस्जिद नबवी के करीब में किसी का घर था, वहाँ सब जमा थे और जनाब अमीर जनाब सैयदा मस्जिद नबवी से मुत्तसिल घर है वहाँ, तो किसी के घर के अंदर चंद अफराद जमा थे, चार अफराद वहाँ बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता। तो अब वो अफराद बैठे हैं और उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद कर दो और हम आइंदा के मंसूबे बना लें, आपस में बातें कर रहे हैं, कोई हाकिम है, कोई उसका दोस्त है और कोई करीबी अहबाब है उनके दोस्त हैं, मंसूबे बना रहे हैं। उनमें से अचानक एक मरतबा वो महसूस करते हैं कि हुजरे के सारे दरवाजे बंद हैं, सहन सब कुछ बंद है, फिर भी कोई अंदर आ गया और अंदर आने के बाद एक मरतबा कहता है कि हुकूमत तुम्हारी है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी हुकूमत में किसी मजलूमा का हक छीन लिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो कहा मैं हक दिलवाऊंगा। कहा कि और अगर हक छीनने वाला हक ना देना चाहे तो कहा उसे सजा भी दूंगा। कहा और अगर किसी भी तरह से आमादा ना हो तो कहा कि ये कैसे मुमकिन है, हमारी हुकूमत तो हम कोशिश करेंगे। एक मरतबा बात बढ़ने लगी, उन्होंने दलीलें दी और दलीलें देखते देते कहने लगे कि भाई जिसका हस्ब किया गया है, छीना गया है, वो बिनते रिसालत है और छीनने वाले यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से कहा। एक मरतबा जो थे वो फौरन गायब हो गए। कहा भी ये कौन थे, कहाँ से आए, इनका चेहरा अजीब व गरीब है, बहुत चेहरे पे नूर, सफ़ेद रीश, सर पे अमामा, ये कौन थे? तो एक मरतबा दोस्त ने कहा हो ना हो ये शैतान होगा, तुम्हें बहकाने आया था, बातों को मत सुनना। तो एक मरतबा उन्होंने हातिफ गैबे की निदा सुनी, किसी ने आवाज़ दे के कहा का अच्छा जा अलो खिज़रन शैतान, क्या तुम खिज़र को शैतान कह रहे हो? ये अल्लाह के नबी खिज़र थे जो तुमसे सवाल करने आए, और ये जो हातिफ गैबी की सदा है ये जिब्राइल थे। कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, जिसने तुम्हें मुतवज्जे किया वो खिज़र थे, जिसका हक मारा गया वो फातिमा है। कहा अभी भी तुम्हें तौबा के दरवाजे खुले हैं, जाके हक अदा करो और जो जो छीना है वापस करो, तौबा के दरवाजे तब तक खुले हैं जब तक के आले मोहम्मद माफ करने के लिए तैयार हो, एक मरतबा दरवाजे बंद हो जाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सब जुमले मैंने कहा था, तो एक मरतबा कहा कि दरवाजे अगर बंद हो जाए तो कुछ इंसान को दुनिया से मिलने वाला नहीं है। आपस में दूसरे को सब देखने लगे, कहा कि क्या माने इन्हें? एक ने कहा जो कुछ सुना है किसी और से बयान ना करना, इस सब मामले को खत्म कर दो, किसी को बताना मत ताकि लोग हमसे दूर ना हो जाएं। ये किसने बयान फरमाया? छठे इमाम ने कहा ऐसा नहीं था कि सैयदा के हक के जाने के बाद सब खामोश बैठे रहे, अल्लाह ने मुतअद्दिद दलीलें देके कभी खिज़र को भेजा, कभी इसको उसको साबित किया कि गलत हो, अगर कोई ना माने तो उसके दिल में कोई ना कोई बीमारी है। ऐसा नहीं था कि अल्लाह बस देखता रहा कि जो हो रहा है होने दूंगा, नहीं, अल्लाह ने कहा मैंने जिन हस्तियों को इतना बुलंद बाला बनाया, बाअज़मत बनाया है, उनके हक को साबित करने के लिए मैं दलीलें भेजता रहूंगा। मैं आंखों में आंसू देख रहा हूं, लेकिन मैं ये पढ़ना जरूरी समझता था, मैंने शायद बहुत सी बातें कह दी हो, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, ये बहुत जरूरी है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हक दुनिया पे साबित भी किया जाए, उसे बयान भी किया जाए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वो मजलूमा है कि जिन्होंने खुद से फरमाया है और कह दिया है कि याद रखो जो भी मेरे हक का साथ देगा वही मेरी शफात का मुस्तहिक होगा, और अगर कोई मेरे हक को छीन लेगा तो याद रखो मेरी शफात के बगैर कोई भी बख्शिश ना पाएगा,